yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Hello and what's up, people? Welcome back to our channel. तो क्या बोलती frustrated soul की army? दोस्तों कैसे हो यार? आप सभी का दीपावली कैसे बीता? कमेंट करके जरूर मेरे साथ शेयर करना. तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ आज का एक और brand new video को. तो आज का वीडियो का टॉपिक है फिजा खान ऑन इंडिया बिफोर वीएस आफ्टर. तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने भी बहुत ही सारे न्यूज में सुना है, इंडिया ने फिर से एक बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिला दी. तो फिजा खान का रिएक्शन क्या रहा, जब औकात दिलाने के आगे क्या था और औकात दिला देने के बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसी वीडियो को हम देखेंगे और दिल को खुश करेंगे. उनका जो होता है ना, उनका जो हवा निकल गई है ना, उसका पूरा का पूरा मजा हम लेंगे यार. हम इंडिया वाले लेंगे, हम नेपाल वाले लेंगे और जो भी कंट्री है टेररिज्म के खिलाफ, वो लोग आनंदी से इस वीडियो का मजा लेंगे. तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना. लेकिन कुछ रिस्पॉन्स जरूर करना यार, क्योंकि आप जब रिस्पॉन्स करोगे तभी तो हमें ऐसे ही वीडियो बनाते रहने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा. तो दोस्तों मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ. तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बड़े नारे लगा लिए कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे, कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे. इंशाल्लाह, याद रखना मेरे अल्फाज. भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए आजाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया. भारतीय फोर्सेस की जानिब से वादी नीलम, जेहलम और बाग में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और शेलिंग भी की गई. भारतीय फोर्सेज की बर्बरियत में 4 अफराद जान से गए जबकि दर्जनों जख्मी भी हुए हैं. भारतीयों के प्रकाश पर्व दिवाली को काले करने की पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत खुद उसे ही बड़ा भारी पड़ी है. इसी टॉपिक पे फिजा खान की बोलती भारतीय विनय दुबे जी ने कैसे बंद की है, यही आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. इसी सिलसिले की कड़ी है. नवाज की बात को भूल गए जो उन्होंने कहा है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया नवाज के बाथरूम में कैमरे आपके देश में लगाए जाते हैं और आप बातें करती है बड़ी बड़ी. आपके देश में क्या महिलाओं का सम्मान नहीं करमानी चाहिए इस बात को लेकर कि एक महिला के बाथरूम में कैमरे लगाए जाते हैं और आपके देश के लोग इमरान पर सवाल नहीं उठाते. महिला के बाथरूम में कैमरा, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान का ये बाथरूम वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी. वो जिस महिला की आप बात करें ना, उसके वालिद की बड़ी दोस्ती है आपके भारत से. आपकी बातें ढकी छुपी नहीं है. आपके लोग खुलासा कर रहे हैं कि करगिल युद्ध में कैसे भूखे प्यासे आपके सैनिकों को लड़ाया गया और बिना हथियारों के मरने के लिए छोड़ दिया गया. ये हम नहीं कह रहे, खून बहाने की आदत आपको पुरानी है. आपने देखा किस तरह से आप ही के यहाँ के नेता कहते अब हैं कि पुलवामा हमला हमने कराया. दुनिया को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान किस कदर झूठ बोलता है, पाकिस्तान की नीयत क्या है, पाकिस्तान की नीति क्या है और पाकिस्तान क्या चाहता है. मरियम ने कोई गलत बयान नहीं दिया, सही कहा कि इमरान को जरूरत बूट की है. मुझे बताएं भारत को मरियम और उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक मिनट दुबे जी, भारत को मरियम उसके वालिद से इतनी हमदर्दी क्यों है? भारत को हमदर्दी नहीं, भारत को हमदर्दी नहीं, भारत सत्य के साथ रहता है और आपके यहाँ का ये सिस्टम है कि जो भी सरकार में नहीं रहता तभी सच बोलता है. इमरान अभी सत्ता में बैठे हैं इसलिए सच नहीं बोलेंगे, सत्ता छोड़ देंगे तो उसके बाद सच बोलने लगेंगे. पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में पाकिस्तान है. 20 सालों में 140 से ज्यादा हत्या. फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में हुई है पत्रकारों की. मुझे तो आपके लिए भी चिंता होती है, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, संभव है कि कहीं पाकिस्तान में आपको ही निशाना न बना लिया जाए. इसलिए सुरक्षित रहिए क्योंकि आपका देश बहुत ही दहशतगर्दों का देश हो चुका है. सेना के कॉकस से चलता है शासन.
कल दिवाली के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। बात कहा है भाई, पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है, शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं। भारत का ये रुतबा, ये कद सही बात शक्ति है और आपके पराक्रम के कारण। LOC गर्म है, 15 आदमी जख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, मकानों में आग लगी हुई है और पूरा बॉर्डर गर्म है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एंगेज रखना चाहता है और हमारी एनर्जीज फोकस वो नेगेटिव एलिमेंट्स और फोर्सेस में इंडल्ज करना चाहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की अफवाज जिस तरह की भी दरअंदाजी करें, जिस तरह बैनुल अक़वामी मुआहिदों की ख़िलाफ़ वर्जी करके नहत्ते कश्मीरियों पे यलगार करें, हमारी पाकिस्तान की अफवाज चुकन्नी हैं, चौकस हैं और अर्ज़ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती हैं। हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान को उसी के अल्फाज में और उसी के अमल के मुताबिक जवाब भी देंगे। निशाना बनाया है भारत ने, हल्के और भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की गई है, एक जवान शहीद हुआ है, 4 शहरियों के बारे में इत्तला सामने आ रही है। ये क्या है हारून साहब, एक तरफ हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं हो रहा, सियासत में एक अजीब हलचल है, मुल्क की सियासी पार्टियां अजीब बयानियों के साथ चल रही हैं, ऐसे में भारत की तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयां कितने नुकसानदेह हैं? उनका तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन की जाए, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए, या हो सके तो 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, सिंध को अलग किया जाए, पूना से लेकर बम्बई तक। ये 70s की बात है कि पूना से लेकर 80s में, सॉरी, पूना से बम्बई तक टेररिस्ट जो हैं उनको तरबियत दी गई, MQM के अल्ताफ हुसैन के जो लोग थे, फिर दादू की पहाड़ियों में उन्होंने GSN के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ताज़ा डेवलपमेंट ये है जो सब लोग वाकफी हैं और 2 महाज खुल गए हैं। अब वो चीन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते अमरीकी ताइद के बावजूद। हमारा हाल ये है कि हम पहले बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। 15 शहरी हमारे जो जख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा वाकया है, अमेरिका का वो हलीफ है, बाहर से दबाव उस पर आएगा नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आर्मी इसकी पूरी सलाहियत रखती है मजामत करने की, सिविल आबादियों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। 20-25 बरस पहले यही सूरत हाल थी कि नीलम वैली में आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे, अभी भी लगता है। हम गए एक दफा, बारहवीं का एक वफद गया तो हमसे ये कहा गया कि भाई आप एहतियात के साथ ट्रेवल करें, और एक मौके पर हमें छुपने के लिए कहा गया जहां वो हाइट पर थे और वहां से उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि वो गोलाबारी कर सकते हैं और अखबारनवीस भी निशाना बन सकते हैं। भारतीयों के प्रकाश पर्व दिवाली को काले करने की पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत खुद उसे ही बड़ा भारी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन करके गोलीबारी करने वाली पाकिस्तान सेना को 11 जवान से हाथ धोना पड़ा। गाइज जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर वीडियो खत्म भी हो चुका है, मैं फालतू की बकवासें आपके सामने नहीं करूंगा, फालतू की ज्ञान आप सभी के लिए नहीं पेलूंगा यार, सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो आपने देखा यहाँ पर पाकिस्तानी रिपोर्टर फिजा खान का रिएक्शन क्या था जब हिंदुस्तान ने उसको उसकी औकात याद नहीं दिलाई थी, जब याद दिला दी ना तो उसके पीछे से हवा कैसे निकल गया फिजा खान का, आपने इसी वीडियो में देखा यार।
तो यहाँ पर देखा ना, इंडिया जो भी करता है चीना ठोक कर करता है और बोल के करता है, ना कि पाकिस्तान की तरह पीछे से हमला करता है। चीना ठोक कर मुंह पे बोलकर हमला करता है, चाहे तुम भाग सकते हो, चाहे तुम खुद को बचा सकते हो, लेकिन आज के डेट पर आज अगर तुम हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बकोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी चालबाजी करोगे, तो ये जाबाज सेना, ये शेर दिल सेना, इंडियन सेना तुमको कहीं नहीं छोड़ेगी। और दिवाली पर पाकिस्तान को एक बड़ा सा तोहफा दे दिया है इंडियन सेना ने, मुझे इस वीडियो से फुल्ली डिटेल पता चला। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया यार, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, चाहे बेटा कितना भी खुदक ले, बेटा कुछ ना भी बोल लेना, हमेशा बाप बाप होता है। और यहाँ पर आपने देखा बाप कौन है, ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है यार, बाप कौन है ये मुझसे ज्यादा आप बेटरली जानते हो। ऑब्वियसली यार इंडिया बाप है, और बेटे का हाल अभी क्या कर दिया, उस कंट्री का नाम लेने का भी मन नहीं करता, मैं लूंगा भी नहीं यार। तो चलिए, मुझे वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आपको वीडियो देखकर कुछ भी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और आप में से कोई भी नए व्यूअर्स देख रहे हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना यार, मैं नया व्यूअर्स हूँ कहकर कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।